हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गाजर, मूली और मिर्च का अचार कैसे बनता है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे बना के हम एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से आज आपको बताऊँगी कि गाजर, मूली और मिर्च का अचार कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 250 ग्राम मिर्च लिया है, आधा किलो मूली है, उसे अच्छे से मैंने छील के धो लिया है। गाजर को भी मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। अब मैं मूली को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, पतला पतला। ऐसे ही मैं मिर्च को भी बीच में से दो टुकड़े करूँगी। सिर्फ हमें मिर्च में दो टुकड़े करके छोड़ देना है। मैंने मूली को अच्छे से काट लिया है, गाजर को भी अच्छे से काट लिया है, मिर्च को भी अच्छे से काट लिया है। अब मैं इसे एक बाउल लेके उसके अंदर मूली डाल रही हूँ और मैं इसके अंदर गाजर भी डाल रही हूँ। अभी हम इसमें मिर्च नहीं डालेंगे, मिर्च हमें बाद में डालना है। अभी मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ। डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। नमक डालने की वजह से मूली और गाजर पानी छोड़ देगा, इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। देखिए मूली और गाजर ने कितने अच्छे से इसमें पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लूंगी। देखिए गाजर और मूली अच्छे से निकल चुका है। अब मैं इसे खुले बर्तन में फैला के अच्छे से इसे 7 से 8 घंटे धूप दिखाऊंगी, जिससे कि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। मैंने सबको अलग बर्तन में करके मैंने इसे धूप में रख रखा है। मैंने आधा छोटा चम्मच चिरौंजी लिया है, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी, 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ लिया है। मैंने सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और फिर मैंने इसे एकदम दरदरा पीसा है। देखिए मूली और गाजर अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच हल्दी और ये मैंने सरसों लिया है। सरसों को अच्छे से भून के मैंने इसको पीस लिया है दरदरा, वो भी इसमें डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच बड़े चम्मच से 2 चम्मच है और ये जो मैंने मसाले पीसे थे वो हैं, वो भी डाल रही हूँ। इसमें काली मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच और जो मैंने मिर्च रखे थे वो सुखा के मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैं कसूरी लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच आमचूर पाउडर। मैंने 1 कटोरी तेल को गरम किया है, उसके अंदर मैं 1/2 चम्मच से भी कम हींग डाल रही हूँ और मैंने तेल को गरम करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे मूली और गाजर के अचार में डाल रही हूँ। फिर हमें इसे धीरे धीरे हाथ से हम इसे मिलाएंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच वाइट विनेगर डाल रही हूँ, इसको डालने से हमारा जो अचार है वो ख़राब नहीं होता है और 1 महीने तक अच्छे से चल जाता है। अब मैंने 1 डब्बा को अच्छे से धो के सुखा लिया है और उसके अंदर मैं सारे अचार डाल रही हूँ। डाल के इसे मैं 2 दिन तक धूप में सुखाऊंगी। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये अचार आप ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।